SBI लाइफ इन्शुरांस रो एक धमाकेदार संचय करिवार प्लान आसी एठार मात्र 7 वर्ष पैसा रखिबे एवं 15 वर्ष रे ग्यारंटेड रिटर्न लेखा बॉन्ड पाइबे यह केवल अगस्त मास पई रहिछि इच्छुक व्यक्ति भारत रो केउ स्थान रे रहितले मध्य एहाकु आवेदन कर परिबे वर्ष को केते टंका देले 15 वर्ष रे केते टंका पाइबे मु एठारे आपण मानकु देखै नै छी एहर आपण स्क्रीनशॉट नै परिबे एवं जदि चाहंती अधिया किछि जानिया पई स्क्रीन रे थिबा नंबर रे जोगाजोग कर परिबे। हेलो फ्रेंड्स, ओडिया कॉर्नर यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। आज मंगलवार सकाळ रो किछि ताजा खबर फटाफट देखि नियंतु। पंचायत निर्वाचन पूर्व रो जोरदार हेउछि राजनीतिक कार्यक्रम। आगामी 20 तारीख रे मालकानगिरी गस्त करिवे मुख्यमंत्री। पंचायत निर्वाचन पूर्व जोरदार हेउछि राजनैतिक कार्यक्रम। आरंभ हो जाइछि एक प्रकार शक्ति प्रदर्शन। आगामी 20 तारीख रे मालकानगिरी जिला गस्त करिवे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। स्मार्ट हेल्थ कार्ड बंटन कार्यक्रम रे जोग देबे मुख्यमंत्री। राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस रे स्मार्ट हेल्थ कार्ड ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक घोषणा करिछन्ति। 96 लाख परिवार रो 3.5 कोटि लोकंकु मिलिबो एही स्मार्ट हेल्थ कार्ड। एही सरकारी कार्यक्रम रे एकाधिक नेता मंत्री जोग देबा कार्यक्रम रहिछि। हेले एपटे 19 तारीख रे ओडिसा आसुछन्ति 2 केन्द्र मंत्री। परवर्ती हेला 24 घंटा रे राज्य रे 104 शिशु ओ किशोर कोरोना पॉजिटिव। यूनिसेफ कहिला छोट पिलांको संक्रमण संभावना कम। 60% पिलांको क्षेत्र रे देखा जाउने लक्षण। तृतीय लहर रे अधिक शिशु संक्रमित हेबो बोली आशंका करुछन्ति विशेषज्ञ। आउ देशर विभिन्न राज्य रे शिशु ओ किशोर संक्रमित हेबा खबर आसीबा परे ओडिसा सरकार मध्य तथ्य देबा आरंभ करिछन्ति। तथ्य आसीबा परे चिंता बढेबारे लागिछि। गत 24 घंटा भितरे राज्य रे 104 जन शिशु कोरोना द्वारा संक्रमित होइछन्ति। सेपटे यूनिसेफ कहिछि छुआ संक्रमित हेबार संभावना कम। चिंता बढाउछि 18 वर्ष रु कम वयस्कंक कोरोना संक्रमण। 24 घंटा रे राज्य रे 104 शिशु ओ किशोर संक्रमित चिन्हट। तृतीय लहरर आशंका भितरे शिशु ओ किशोरंकु कोरोना संक्रमण नै राज्य सरकारंक तथ्य चिंता बढाइबारे लागिछि। गत 24 घंटा रे राज्य रे पुणि 104 जन शिशु ओ किशोर कोरोना संक्रमित होइछन्ति। अर्थात 0-18 वर्ष बयस मध्यरे 104 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होइछन्ति। परवर्ती हेला कोरोना समयरे खणिरु कम उत्तोलन करिछन्ति लिजधारी। कोटि कोटि टंका राजस्व हराइछन्ति राज्य सरकार। क्षतिपूरण पई जरिमाना देबे खणि मालिक। कोरोना बेले काहीकि खणिज उत्पादन कमिगला जहार सीधासळख प्रभाव पड़ा राज्य राजकोष उपरे। किछि एभळी आभिमुख्य देखाई खणि मालिकंकु डिमांड नोटिस पठाइछन्ति राज्य सरकार। फळरे कम खणि उत्तोलन पई खणि कंपनीकु देबाकु पड़िबो कोटि कोटि टंकार जरिमाना। 2020 जुलाई रु 2021 जुलाई मास मध्ये बुझामणा तुलनारे कम लुहापत्थर उत्तोलन करथिबा कंपनीकु डिमांड नोटिस पठाइछि केन्दुझर जिल्ला खणि विभाग। कोरोना समयरे गत वर्ष जुलाई मासरु ए वर्ष जुलाई मास पर्यंत बुझामणा मुताबक खनिज पदार्थ उत्तोलन करिपारिनथिबा खणि कंपनीकु शह शह कोटि टंकार फाइन करिछन्ति राज्य सरकार। परवर्ती हेला 5 जिल्लारे प्रबल वर्षा संभावना। येलो वार्निंग जारी कला पाणिपाग विभाग। जानन्तु तालिकारे रहिछि केउँ जिल्ला। 24 घंटा मध्ये राज्यर 5 जिल्लारे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा संभावना रहिथिबा नै आंचलिक पाणिपाग केन्द्र पक्षरु कुहाजाइछि। कोरापुट, मालकानगिरी, गजपति, नवरंगपुर, रायगड़ा आदि जिल्लार गोटे दुटी स्थानरे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा संभावना थिबारु येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। सेहिपरि गंजाम, पुरी, खोर्धा, मयूरभंज, बालेश्वर, केन्दुझर, कटक, कलाहांडि ओ कंधमाल जिल्लार गोटे दुटी स्थानरे प्रबल वर्षा संभावना रहिछि। एथिसहित 17-19 तारिख मध्यरे राज्यर अनेक जिल्लारे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा संभावना रहिथिबा आंचलिक पाणिपाग केन्द्र पक्षरु प्रकाश। परवर्ती हेला सेप्टेम्बर 1 विधानसभार मौसुमी अधिवेशन आरंभ। रहिबो 8 कार्य दिवस। आसंता सेप्टेम्बर 1 विधानसभार मौसुमी अधिवेशन आरंभ हेउछि। सेप्टेम्बर 1 सेप्टेम्बर 9 पर्यंत चालिबो अधिवेशन। 9 दिन 8 दिन कार्य दिवस रहिबो। 8 दिन 7 दिन ऑफिशियल बिजनेस पई निर्घंट होइथिबा बेले गोटे दिन अर्थात 3 सेप्टेम्बर प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस पई धार्य होइछि। 14 विधानसभार सप्तम अधिवेशन आरंभ हेबा नै विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। चलित मौसुमी अधिवेशन रे अनेक गुडिये बिल गृहरे पारित होइपारे। तेबे गृहकु स्वाभाविक भाबे चलाइबा वाचस्पतिंक पई चैलेंजिंग होइपारे। विरोधी माने विभिन्न प्रसंग नै शासक दलकु गृहरे अडुआरे पकाइ पारन्ते। तेणु शासक दलर कोन रणनीति रहिबो ताहा उपरे समस्तंकर नजर रहिबो। परवर्ती हेला पंचायत निर्वाचन पूर्व जोरदार हेला राजनैतिक कार्यक्रम। आसंता 20 मालकानगिरी जिबे मुख्यमंत्री। मालकानगिरी रु आरंभ हेबो मेगा योजना। परवर्ती हेला व्हाट्सएप रे हेउछि डेलीवरी स्कैम। गोटे भूल खाली करिदबो आपणको अकाउंट। सावधान व्हाट्सएप व्यवहारकारी। साइबर ठकंक नजर रे
एबे आपणको व्हाट्सएप टिके भूल जोगु खाली होई परे आपणको बैंक अकाउंट एबे डिलीवरी स्कैम जरिए व्हाट्सएप व्यवहारकारी को टारगेट करुछन्ते साइबर ठक आकर्षणीय प्रोडक्ट रो लोभ देखाई लोकंकु ठकामीर जालरे छंदी दियंती एभळी एक साइबर फ्रॉड विषयरे लोकंकु सतर्कता कराइछि रशियन सिक्युरिटी रिसर्च रिसर्च रे कुहा जाय छे साइबर ठक प्रथमे निजको ऑनलाइन डिलीवरी एग्जीक्यूटिवर परिचय देथांते आउ यूजर्स को घरे एक पैकेज डिलीवरी करबा पई कहिथांते आउ जदी आपण एथिरे राजी हो जांती तबे साइबर ठक आपण को एक लिंक शेयर करबो आउ एहा को क्लिक करबा को कहबो एहा परे आपण को प्रोडक्ट को सुरक्षित पहुंचाइबा को एक छोटो अमाउंट पे करबा को कहबो पेमेंट होई जिबा परे विभिन्न प्रकार बहाना करिथांते साइबर ठक एहा परे आपण को कस्टम ड्यूटी अथवा शिपमेंट कॉस्ट पई पेमेंट करबा को कुहा जाय थाय एहारी माध्यम रे यूजर्स को फेक वेबसाइट को नै जानती साइबर ठक जेउथरे केवल आपणक टंका नहे बरंग आपणक बैंक डिटेल्स को मध्य हासिल करिथांती ठक परवर्ती टी हला पुलिस विभाग रो जरूरी सूचना एने कि 100 परिवर्ते डायल करंतु 112 संगे संगे मिलिबो जरूरी कालीन सहायता राज्यवासी को पई पुलिस विभाग पक्षरु जरूरी सूचना एने कि पुलिस ओ जरूरी कालीन सहायता पई 100 परिवर्ते 112 डायल करबा को अपील करिछि पुलिस विभाग डायल 112 सह डायल 100 रो मिश्रण परे एभले निष्पत्ति नैछि पुलिस विभाग गत मार्च 19 रे डायल 112 रो शुभारंभ करितिले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जरूरी कालीन सहायता पई भिन्न भिन्न नंबर डायल करबा परिवर्ते एही गोटिए नंबर डायल कले तीनि प्रकार रो सुविधा मिलिबो बोली नवीन कहितिले पुलिस दमकल ओ एम्बुलेंस सेवा पई बास जनसाधारण को 112 नंबर डायल करबा को पड़िबो पूर्वरु भिन्न भिन्न जरूरी कालीन सेवा पई भिन्न भिन्न नंबर डायल करबा को पड़ुतला पुलिस सेवा पई 100 एम्बुलेंस पई 108 जननी एक्सप्रेस पई 102 अग्निशम पई 101 नंबर डायल करबा को पड़ुतला किंतु एबे बास गोटिए नंबर 112 डायल कले तीनि प्रकार जरूरी कालीन सेवा मिलि पारिबो एसबीआई लाइफ इन्स्योरेंस रो एक धमाकेदार संचय करिवार प्लान आछि एठारे मात्र 7 वर्ष पैसा रखिबे एवं 15 वर्ष रे ग्यारंटेड रिटर्न लेखा बॉन्ड पाइबे यह केवल अगस्त मास पई रहिछि इच्छुक व्यक्ति भारतर केउ स्थान रे रहितले मध्य एहाकु आवेदन कर परिबे वर्ष को केते टंका देले 15 वर्ष रे केते टंका पाइबे मु एठारे आपण मानकु देखै नै छि एहर आपण स्क्रीनशॉट नै परिबे एवं जदि चाहंती अधिक किछि जानिया पई स्क्रीन रे थिबा नंबर रे जोगाजोग कर परिबे परवर्ती टी हला आजि ओडिसा आसुछन्ती पुरुष ओ महिला हॉकी टीम रो खेलाडी सकाळ जळखिया ठारु रात्रि भोजन पई एपरी होईछि प्रस्तुति ओलंपिक्स रे पुरुष हॉकी दल ब्रोंज पदक ओ महिला हॉकी दल भल प्रदर्शन करबा परे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तांकु ओडिसा आसीबा को निमंत्रण करिथिले मुख्यमंत्री को एही निमंत्रण रक्षा करी आज भारत रो उभय पुरुष और महिला हॉकी टीम रो खेलाड़ी भुवनेश्वर विमान बंदर रे दिन 11:00 पहुंचिबे हॉकी टीम को स्वागत पई स्वतंत्र व्यवस्था करा जायछि भुवनेश्वर पहुंचिबा परे मुख्यमंत्री भारत रो पुरुष और महिला हॉकी टीम रो खेलाड़ी को संबोधित करिवे खेलाड़ी मानन को पई होटल सैंडी टावर रहिबा पई समस्त प्रकार व्यवस्था करा जायछि परवर्ती टी हला बंगोपसागर सृष्टि हला लघुचाप सक्रिय हेबो मौसमी पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर रविवार सृष्टि साइक्लोनिक सर्कुलेशन गतकाली एक लघुचाप क्षेत्र रे परिणत होईछि एही लघुचाप आसंता दुई दिन रे पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिवार संभावना रहीछि एहारो प्रभाव रे आसंता 19 तारीख पर्यंत राज्यर विभिन्न जिल्ला रे मध्यमरु प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहीछि बोली भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु कुहा जायछि घरोई पाणीपाग संस्था स्काईमेट मध्य एही लघुचाप सृष्टि हेबा संपर्क रे सूचना देइछि स्काईमेट कहिछि जे एही लघुचाप आजि ओडिसा उपकूल अतिक्रम करिवो पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिगरे गति करि छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश उत्तर प्रदेश आड़क जीव एही लघुचाप रो प्रभाव आंध्र प्रदेश तेलंगाना महाराष्ट्र और गुजरात उपरे मध्य पड़िबो एहा फळरे ए सबु राज्य गुड़ी करे आगामी किछ दिन पर्यंत वर्षा हेबार संभावना रहिछि परवर्ती टी हला राजधानी रो गतकाली 211 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट राज्य राजधानी रो 24 घंटा मध्ये 211 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होइथिबा भुवनेश्वर महानगर निगम पक्षरु ट्वीट करि सूचना दिया जायछि चिन्हट कोरोना आक्रांतक मध्यरु क्वारंटाइन रु 61 जन रहितबा बळे स्थानीय अंचल रु 150 जन रहिछन्ते गतकाली रो नुवा आक्रांतक मिसले राजधानी रु एजाबाद 104060 जन कोरोना आक्रांत सुस्थ होइछन्ते सेही परि एबे भी 3098 टी कोरोना सक्रिय मामला रहितबा बळे 974 जनकर एथिरे मृत्यु होइछि गतकाली 187 जन कोरोना आक्रांत राज्य राजधानी रु सुस्थ होइतबा बळे एजाबाद 49967 जन कोरोना आक्रांत आरोग्य होई घर को फेरिथिबा भुवनेश्वर महानगर निगम ट्वीट करी सूचना देछि परवर्ती टी हला पेट
पेट्रोल डीजेल उपर उत्पाद शुल्क कमाइबार कौनसी योजना नाही। केन्द्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण गतकाली कहिछन्ति जे वर्तमान पई तेल उपर उत्पाद शुल्क ह्रास करिवार कौनसी योजना नाही, कारण पूर्वर यूपीए सरकार जारी करितिबा तैल बॉन्ड जोगु एबे शुद्ध परिशोध करिबाकु पडुछि। तेल दर कमेबाकु यूपीए सरकार 1,44,000 कोटीर तैल बॉन्ड जारी करिथिले, एथिपई एबे सुधा देबाकु पडुछि। सरकार गत 5 वर्षरे प्राय 62,000 कोटीर सुध प्रदान करिछन्ति। आसंता 2026 सुधा आहुरी 37,000 कोटीर सुध देबाकु पडिबो। सुध छड़ा एबे भी 1,30,000 कोटीर मूल परिशोध करिबाकु रहिछि। सरकारंक उपरे जदि एही बोझ नथांता तेबे सरकार तेल दर ह्रास करि नथांते बोली से कहिछन्ति। राज्य में गतकाली कोरोना सुस्थ हेले 1167 आक्रांत, खोर्धा जिलार सर्वाधिक 380। राज्य में गतकाली कोरोना भाइरस संक्रमण 1167 जन आक्रांत सुस्थ होइछन्ति, एतिरे खोर्धा जिलार सर्वाधिक 380 जन अछन्ति। एतिसहित राज्य में कोरोना सुस्थ होइतिबा आक्रांतक संख्या 979,407 रे पहुँचिछि। राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पक्षर ट्वीट जरिए यह सूचना दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग सूचना अनुसार कटक जिले में गतकाली 151 जन आक्रांत सुस्थ होती। पुरी 69, बालेश्वर 58, जाजपुर 56, नयागढ़ 52, मयूरभंज 35, केन्द्रापड़ा 31, अनुगुल 26 और रायगढ़ 20 जन आक्रांत सुस्थ होती। सुंदरगढ़ 19, केन्दुझर 18, भद्रक ढेंकानाल कंधमाल 16 लेखाएं, मालकानगिरी 9, बरगढ़ 7, कोरापुट 6, बलांगीर 5, झारसुगुड़ा 4, गजपति गंजाम संबलपुर 3 लेखाएं, बौद्ध नुआपड़ा सुवर्णपुर 2 लेखाएं और देवगढ़ जड़े कोरोना आक्रांत सुस्थ होती। परवर्ती मरबु पछे इंचे जमी छाड़बू ना, सर्वदलीय नेता स्लोगान में कंपिला कोटिया फसल फाटिला आंध्र योजना। मरबु पछे कोटियार इंचे जमी छाड़बू ना, यही स्लोगान में गतकाली कंपि उठी कोटिया। कोटिया सीमांत को नहीं ओडिशा और आंध्र प्रदेश मध्य बढ़ुचे तिक्तता। कोटिया सीमांत को नहीं ओडिशा और आंध्र प्रदेश मध्य बढ़ुचे तिक्तता। कोटिया भितर को बारंबार आंध्र प्रदेश अधिकारी और नेता अनुप्रवेश कर लोकंक विभ्राति करुवा बेले गतकाली कोरापुट जिलार समस्त राजनीतिक दल सीमांत पहुंची, तेरे परिस्थिति को नियंत्रित रखा कोरापुट जिला प्रशासन पक्ष व्यवस्था होता बेले आसी आंध्र प्रदेश अधिकारी अथवा सालुर विधायक। एसटीएफ द्वारा जलेश्वर 2,40,00,000 टंकार ब्राउन सुगर जबत, 3 अभियुक्त गिरफ। भुवनेश्वर एसटीएफ टीम द्वारा जलेश्वर 2,402 ग्राम ब्राउन सुगर जबत कर खबर मिली। मामलें 4 अभियुक्त गिरफ होती। गुप्तचर सूचना आधार में एसटीएफ द्वारा बालेश्वर जिलार जलेश्वर मार्केट चढ़ाव कर डील चली एसटीएफ टीम 2,402 ग्राम ब्राउन सुगर जबत कर मामलें 3 जन अभियुक्त को गिरफ्त कर। मुख्य अभियुक्त है ममताज खान, तार घर जलेश्वर थाना अंचल। परवर्ती क्राइम ब्रांच माराथन जेरा, बहुचर्चित पारलाखेमुंडी एससीएफ सौम्य रंजन महापात्र मृत्यु मामलें क्राइम ब्रांच माराथन जेरा। मामलें सौम्यों 2 सहकर्मी एससीएफ को जेरा करी क्राइम ब्रांच। लगातार 4 घंटा धरी पचरा उचरा करी क्राइम ब्रांच टीम। 4 घंटा जेरा पर बाहर थिलु 2 एससीएफ सौम्यों भाई सहकर्मी एससीएफ सह रोसया मनमथ कुंभ एवं अन्य 3 फरेस्टर को जेमा पाई डाकी क्राइम ब्रांच। अपराह्न अन्य 4 जन को पचरा उचरा कर क्राइम ब्रांच। तदंत नहीं सूचना देखते क्राइम ब्रांच डीएसपी ज्ञान रंजन मिश्र। सौम्य पत्नी विद्याभारती, डीएफओ संग्रामी केशरी बेहरा और संपृक्त रोसयां विरोध में हत्या सह अपराधिक षड्यंत्र संगीन दफा लगी। विरोध में सौम्य पर लोके भी सीधा अभियोग कर। एक धमाकेदार संचय कर प्लान आठ मात्र 7 वर्ष पैसा रखे एवं 15 वर्ष ग्यारंटेड रिटर्न लेखा बॉन्ड पाइबे। यह केवल अगस्त मास पई रही। इच्छुक व्यक्ति भारत केउं स्थान रे रहितले मध्य एहाकु आवेदन करि परिबे। वर्षकु केते टंका देले 15 वर्ष रे केते टंका पाइबे मु एठारे आपण मानकु देखै नै छी। एहार आपण स्क्रीनशॉट नै परिबे एवं जदि चाहंती अधिया किछि जानिया पई स्क्रीन रे थिबा नंबर रे जोगाजोग करि परिबे।